सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व वाले बयान पर आप पार्टी का पलटवार। पूर्व राज्य मंत्री व आप पार्टी के सह प्रभारी नदीम अशरफ जायसी का बयान। चुनाव आते ही धर्म की शुरू हो जाती राजनीति, सभी पार्टियां करती जनता को गुमराह। आप पार्टी के सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व वाले मुद्दे पर जमकर साधा निशाना। भाजपा और अन्य पार्टियां करती धर्म की राजनीति, जनता को मेन मुद्दों से करते गुमराह। यह वह लोग हैं जो धार्मिक मुद्दों को उठाकर जनता के मुद्दों को कूड़े के ढेर में डालना चाहते हैं। यह वो लोग हैं जो धार्मिक मुद्दों को उठाकर जनता के मुद्दों को कूड़े के ढेर में डालना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद साहब ने अभी एक किताब लिखी है जिसमें हिंदुत्व को लेकर उन्होंने ISIS से कंप्रोमाइजन किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बहुत सीधा सा मामला है और इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव आता है धार्मिक सामाजिक मंदिर मस्जिद के मुद्दे उछालने वाले लोग मौजूद हैं। ये देश को कमजोर कर रहे हैं, जनता को कमजोर कर रहे हैं। हमने बड़ी मुश्किल से, आम आदमी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने बड़ी मुश्किल से शुरुआत की और उत्तर प्रदेश में हम लोग लेकर के आए 300 यूनिट बिजली फ्री, अच्छे सरकारी स्कूल, फ्री में इलाज, बेरोजगारी भत्ता, भ्रष्टाचार मुक्त, लॉ एंड ऑर्डर। हम इसको मुद्दा बनाने जाते थे और शुरुआत भी हो गई। हमारे काम करने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी 30 यूनिट बिजली का ऐलान किया। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने असम में जाकर के कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। लोगों ने भरोसा नहीं किया क्योंकि उनकी जहां सरकारें चल रही वहां नहीं किया इन्होंने। इसी तरह से अमित शाह जी ने वेस्ट बंगाल में कहा 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लोगों ने भरोसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि इनकी सरकारें हैं जहां वहां नहीं कर रहे। कभी जिन्ना का जिन पटेल जी की जयंती पे जिक्र करने की क्या जरूरत थी? ये वो लोग हैं जो धार्मिक मुद्दे उछालकर जनता के मुद्दों को कूड़े ढेर में डालना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, ये नहीं चाहते हैं कि उनको अच्छे सरकारी स्कूल मिले, उनके बच्चे भी अधिकारी बने, वो नहीं चाहते हैं उनको फ्री में इलाज मिले। आप नहीं समझ सकते हैं, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इनके कोई काम रुकता नहीं है, इनको सिर्फ सियासत करनी है। हमको फिक्र उस आदमी की है कि अगर 300 यूनिट बिजली उसकी फ्री हो जाए, 1,000-1,200 रुपये बचेगा तो अपने बेटे के लिए नए जूते खरीद सकता है, अपनी माँ का चश्मा लगवा सकता है, अपनी बीवी के लिए एक जोड़ा कपड़ा खरीद सकता है। हमें उनकी फिक्र है, हम इन मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। ये लाठ चिल्लाएं, हम इन मुद्दों पे, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे RSS हो और चाहे वो समाजवादी हो, जो भी धार्मिक और मजहबी मुद्दों को उछालेगी, हम इसके खिलाफ 300 यूनिट बिजली, बेरोजगारी भत्ता, फ्री के अच्छे स्कूल और फ्री इलाज की हम बात करते रहेंगे।